अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सैयद उमर आप सभी का मीडिया स्टार चैनल में स्वागत करता हूँ। लगभग आप लोगों को सभी को पता ही होगा क्या 3 मार्च को अहले सुन्नत जमात का एक रोज़ा इस्तेमा रखा गया है, जिसके अंदर हैदराबाद से अहमद नक्शबंदी साहब तशरीफ़ काबुस्तानी में ला रहे हैं। हमारे साथ में यहाँ के हमारे काबुस्तानी के मुफ्ती साहब जुड़े हैं, हम इनसे तासुरात लेंगे इस इज्तिमा के बारे में। हाफिज़ साहब, आपके क्या मतलब क्या बताना चाहेंगे इज्तिमा को, हमारी पब्लिक को, आप मीडिया की पब्लिक को? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں سب سے پہلے تو تمام اہل سنت جماعت کی علماء اور ائمہ اور تمام عوام اہل سنت کو بڑی مسرت و شادمانی کے ساتھ میں یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ بحمدی تبارک و تعالی کاپوستنی انجن گاؤں سورجی ज़िला अमरावती में एक रोज़ा अज़ीम शान इज्तिमा बनाम अज़मत कुरान व इस्तिक़बाल रमज़ान मुनक़िद होने जा रहा है, जिसमें एक अज़ीम मुकर्रर आलमी शोहरत याफ्ता अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और बिहम्दी तबारक व तआला हम काफ़ी रोज़ से इस इज्तिमा के लिए बड़ी मेहनत कोशिशें कर रहे हैं। हमारे नौजवान हज़रात, हमारे काबुस्तानी के तमाम ही बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग, जवान सभी काफ़ी दिनों से मेहनतें कर रहे हैं, और ये इज्तिमा हमें ऐसा लगता है कि इंशाल्लाह ये ज़रूर बेज़रूर कामयाबी और कामरानियों से हमकनार होगा और हमारी कोशिशें इंशाल्लाह ज़रूर रंग लाएगी। दोस्तों, ये तमाम सब मुफ्ती साहब, अभी आप लोगों को पता ही होगा 3 मार्च का जो इज्तिमा होने जा रहा है काबुस्तानी नूरानीपुरा के अंदर। मैंने आपको इससे पहले, आप एक स्टेटस वीडियो देखेंगे मेरा, इसके अंदर आपको मैंने लगभग रास्ता बता दिया हूँ किस तरीके से काबुस्तानी के अंदर इज्तिमा गाह के अंदर आपको आना है। और एक बात मैं आपको साथ साथ ही बताते चलूँ, क्या इसके अंदर ख़वातीन के लिए एक LED का इंतज़ाम किया गया है और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है उनके लिए, पूरा पर्दे का बंदोबस्त रखते हुए काबुस्तानी में इज्तिमा में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक पहुंचने की कोशिश करें। मैं कैमरा पर्सन सैयद नूर के साथ सैयद उमर, काबुस्तानी।